ओके बच्चों, तो आज हाँ जी बेटा बोलिए सर, आप ये 8 और 9 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भेज दोगे ग्रुप पर? श्योर बेटा, बिल्कुल भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपन लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए हर्षिता। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नेम अलोंग स्ट्रेट वायर। हाँ चलिए, अपने आप से बुक से पढ़िए, देखिए चारों पॉइंट पढ़िए, देखिए कौन सा करेक्ट आंसर सही है। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? Magnetic field के straight wire के चारों तरफ जो magnetic field होता है, उसके बारे में कौन सी बात सत्य है? क्या बताया था मैंने? Magnetic field straight wire का कैसा होता है अनामिका? Circular. हाँ, circular, concentric circles क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर वाले कई सारे छल्ले होते हैं, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। समझ में आया? यस सर। तो टिक द करेक्ट आंसर बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। द फील्ड लाइंस कंसिस्ट कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षिता। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, व्हिच इज द राइट आंसर? Check the carefully options and write me the answer. Tell me the answer. Which is right according you? कौन सा सही है? Electromagnetic induction का मतलब क्या होता है? कौन सी phenomena होती है? C, option number C. C, बिल्कुल सही बेटा, producing induced current, क्योंकि आप magnet को लेकर के coil के बगल में up and down या आगे पीछे करते हैं, है ना? तो current जो होती है coil से produce हो जाती है because of relative motion between magnet and the coil. Correct answer C. Okay, next question. A device used for producing electric current is called, very simple, generator. बेटा generator का दूसरा नाम dynamo होता है। अगर कभी dynamo आ जाए तो dynamo छोड़ के मत आ जाना। Okay, that is dynamo is also called generator. Next question. An essential difference between AC generator and DC generator. एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या होता है मेन डिफरेंस, बताया था कल मैंने। एसी जनरेटर क्या होता है बच्चों? एसी जनरेटर एक पैर से लंगड़ा होता है, मतलब उसका एक पैर बड़ा होता है, उसमें स्लिप रिंग लगी होती है, याद आया? यस सर। और जो डीसी जनरेटर होता है वो दोनों पैर से लंगड़ा हुआ करता है, उसमें क्या लगे होते हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, याद आया? एसी जनरेटर हैव स्लिप रिंग व्हाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर, या उसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग। इसमें स्लिप रिंग और उसमें स्प्लिट रिंग, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट। एट ए टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाती है शॉर्ट सर्किट में, बढ़ जाती है कि घट जाती है? सर बढ़ जाती है, जबरदस्त बढ़ती है, इंक्रीजेस हैवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, सही की गलत? मोटर क्या करती है, बिजली लेके काम देती है कि काम लेके बिजली देती है? बिजली लेके काम देती है, मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और ये क्या कह रहा है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, क्या है ये? फॉल्स। डन। Yes, An electric generator work on the principle of electromagnetic induction. Electric generator electromagnetic induction पर काम करता है, क्या? Yes, sir, करता है। True. Third point, the field at the center of the long circular coil carrying current will be parallel straight line. Circular coil के बीच में जो current field हुआ करता है वो parallel line हुआ करता है, सही या गलत? सही है। आपके डायग्राम बना हुआ है बुक में, सर्कुलर लाइन का फील्ड बनाना सीख लीजिएगा, आता है एग्जाम में बनाने के लिए, समझ गए ना? एक ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, कार्डबोर्ड में फंसा हुआ है, तो इस तरीके से जाता है, तो बीच में ये पैरेलल हो जाता है और इधर भी ऐसा ऐसा, याद आया? यस सर। नेक्स्ट,
A wire is green insulation, usually the live wire of an electric supply. एक वायर के ऊपर ग्रीन कलर का कवर है, क्या ये लाइव वायर होगी? लाइव वायर के ऊपर कौन सा कलर होता था? हद करते हो, इतना टाइम लगाते हो यार। ब्लैक। हाँ, लाइव वायर के ऊपर रेड कलर होता था, खतरे का निशान। ब्लैक कलर न्यूट्रल होता है। ब्लैक कलर क्या होता है? न्यूट्रल। हाँ, और रेड कलर लाइव वायर और ग्रीन कलर अर्थिंग। तो कह रहा है ग्रीन कलर है, क्या ये लाइव वायर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। हरे, ग्रीन का मतलब हरा होता है, तो हरे कलर में लाइव वायर कैसे हो जाएगा? नहीं होगी। हाँ, तो ये ग्रीन दे करके कह रहा है, क्या ये लाइव होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। तो ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फॉल्स होगा। नहीं आया नामिका समझ में? आ गया सर। चलो, हाँ, तीन मेथड बताओ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के तीन मेथड पढ़ो अनामिका। सर परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और करंट कैरिंग। हाँ, बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, वो भी तो देता है। यस। अगला क्वेश्चन पढ़ो अनामिका। हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? कैन यू determine the north and south poles of current carrying solenoid with help of bar magnet? Explain. A solenoid. Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? हाँ, भाई हमको bar magnet का north और south तो पता होता है, बोलो yes or no? Yes sir. अब solenoid के north, solenoid के पास में ले जाओ, अगर ये north ripple करने लग जाए, मतलब ये भी क्या होगा? North ही तो होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. अगर ये नॉर्थ को पास बुलाने लग जाए, मतलब ये क्या होगा? साउथ। साउथ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. चलो पढ़ो अनामिका। सोलेनोइड। A solenoid begins behaving like a magnet when electrical current flows through it. We know that any current carrying conductor create a magnetic field around it and that is why happens in the case of solenoid. For determining the different poles of solenoid, we can use a bar magnet and look for interaction and look for interaction between different poles of the two magnet. If the north pole of the bar magnet get repulsed by the particular pole of the electromagnet, or you can say solenoid, then it gets confirmed that the bar magnet was brought near to the north pole. And if the pole north pole was attracted by the solenoid, this means you have bring the your magnet near the south pole of the solenoid. Understood? Yes, sir. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? Yes. बच्चों, कोई current carrying conductor है, उसको आप किसी magnetic field में रख रहे हो, तो force largest कब होगा? बच्चों याद रखना, जब आप जो है उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखो। अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हो बच्चों, तो फोर्स लार्जेस्ट होगा। लिख लो उसको। फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इट इज क्लियर दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन इन द करंट इज द मैक्सिमम सॉरी द डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम This shows that when magnetic field and direction of current are perpendicular to each other, the force experienced by the conductor is largest. समझ में आया? बोलो भाई, magnetic field के perpendicular जब आप conductor को रखोगे, तभी सबसे ज्यादा force लगेगा उस पे। याद रहेगा? Yes. Yes, sir. Okay. चलिए भाई, अब देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, मैं बताऊंगा। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, ठीक है? अब मान लो बच्चों, जैसे आप बैठे हो, आपकी आपकी दीवार की तरफ पीठ है, मतलब एक दीवार है जिसकी तरफ पीठ है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। अब आपके पीछे से, पीठ की तरफ से कोई आपके सामने की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन,
एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। आपके पीछे से सामने की तरफ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यूं चल रहा है, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके, इज डिफ्लेक्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके राइट साइड बेचारा डिफ्लेक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आपके राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। तो बच्चों आपको बताना है कि इसमें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। के चलिए, तो मैं इसके सोल्यूशन से हट करके मैं आपको अपना सोल्यूशन बता देता हूं। बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो आप करंट बनाइए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपने पीठ की तरफ आप अपनी करंट करिए। करंट मदर मतलब फादर मदर चाइल्ड में तीसरी वाली फिंगर करंट कर लो, पीछे की तरफ कर लो, अपना लेफ्ट हैंड निकालो और पीछे की तरफ करंट कर लो। क्यों? क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, तो करंट जाएगी ऐसे, इलेक्ट्रॉन आया है यू, करंट जाएगी पीछे की तरफ, करंट हमेशा पीछे की तरफ चलती है इलेक्ट्रॉन की। बोलो कर लिया? यस सर। ओके, अब उस पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो इधर की तरफ लग रहा है, देख लो आपकी दाहिनी तरफ कह रहा है, तो राइट साइड में जिस हाथ से आप लिखते हो दाहिने हाथ से, तो अपने अंगूठे को बेटा देखो करंट को यही करे रहना, करंट को मत बदल देना, करंट पीछे रहन दो और अंगूठे को इस तरफ कर लो, इस तरफ अंगूठा कर लो, ऐसा अंगूठा कर लो, ये अंगूठा कर लिया और ये आपकी ये वाली फिंगर पीछे की तरफ जा रही है, मिडिल फिंगर जा रही है, बन गया?